हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आइसोमर्स के बारे में बताती हूँ कि आइसोमर्स क्या होता है। देखिए, आइसोमर्स क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट ऑरिएंटेशन जो होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि जिसका कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, जिसका कनेक्टिविटी सेम हो। कैसे, देखिए एग्जांपल्स में देती हूँ। CH3 Cl हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, C2H5। ठीक है, देखिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब पूछ देगा मुझसे कि ए एंड बी में क्या रिलेशन है, ए एंड बी में क्या रिलेशन है, बी एंड सी में क्या रिलेशन है, सी एंड डी में, सॉरी ए एंड सी में क्या रिलेशन है ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी देखना है कि मॉलिक्यूलर में कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे CH3 इस कार्बन पर चेक करते हैं हम, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये तो सेम हो गया। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। हाइड्रोजन तो मैच कर रहा है, चलो सही है, बट क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यानी कनेक्टिविटी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो फिर कनेक्टिविटी चेक किया तो कनेक्टिविटी भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है ना, ये हो गया। बी एंड सी में चेक करते हैं, बी में ये ना, यहाँ भी चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए यहाँ भी डिफरेंस दिख रहा है। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ए एंड सी में क्या रिलेशन है, देखिए CH3 ठीक है मैच कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन ये भी मैच कर रहे हैं, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन मैच कर रहा है, C2H5। देखिए यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स। बस यही डिफरेंस था, स्टीरियो आइसोमर, बस यही डिफरेंस था कॉन्स्टिट्यूशनल में एंड स्टीरियो आइसोमर्स में, बस कनेक्टिविटी का डिफरेंस था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत टाइप के होते हैं, फंक्शनल होता है, पोजिशनल होता है, चेन होता है, मेटामर्स होता है, तो ये सब मैं, आज मेरा मेन टॉपिक है स्टीरियो, तो इसको बस याद, देखो ये दो एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। ये इथेनॉल है, ये इथर है, क्या हो रहा है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है मुझे, बट क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है, इथर है। तो यहाँ फंक्शनल क्या चेंज हो रहा है, कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा आइसोमर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में, स्टीरियो का भी दो टाइप होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल में भी दो टाइप होता है, कौन कौन, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे रोटेट करेंगे, मतलब एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के जितने भी मॉलिक्यूल है वो रोटेट करेंगे, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसका दूसरा टाइप होता है एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन क्यों आया ये मैं बताऊंगी थोड़ा देर में। एमीन इन्वर्जन देखिए, पहले इसके बारे में कैसे, एक देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है।
देखिए क्या हो रहा है, पहले फ्लोरीन को चेक करते हैं क्या होता है। फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, प्लेन में है। अब फ्लोरीन मेरा कहाँ आ गया, अब ठीक है। देखिए पहले फ्लोरीन क्या था, प्लेन में था, अब फ्लोरीन क्या हो गया, बिलो द प्लेन चला गया, मतलब ये चेंज हो गया, C2H5 बिलो द प्लेन है। पहले कहाँ था, एबव द प्लेन था, ये भी चेंज हो गया। CH3 पहले क्या था, एबव द प्लेन था, अब कहाँ आ गया, प्लेन में आ गया। और क्लोरीन का चेक करते हैं, देखिए क्लोरीन पहले भी यहाँ था, अभी भी क्या है, यहीं पे है। तो मतलब इस बॉन्ड को क्या कर दिया गया है, वो ये बॉन्ड कांस्टेंट रख दिया गया है, बाकी तीन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करें, मतलब इन चेंज हो रहे हैं ये तीनों। तो ये दोनों क्या हो गए, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखिए कन्फर्मेशनल यही होता है, कन्फिग्रेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल में क्या डिफरेंस है, देखिए कन्फिग्रेशनल में क्या होता है कि दो बॉन्ड को कांस्टेंट रख के जितने और बाकी सारे हैं वो रोटेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर। देखिए ये तो हो गया रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड के अराउंड। अब पढ़ते हैं एमीन इन्वर्जन, क्या होता है एमीन इन्वर्जन, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है एमीन इन्वर्जन। देखिए नाइट्रोजन है, इस पे तीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखिए इन्वर्जन जो होता है क्यों होता है, रीजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, रोटेट करता है, मतलब ये नॉन बॉन्डिंग के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे देखिए इसका जो इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो प्लेनर होता है, क्या जैसे ये तीनों मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में आ जाएंगे, और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये तो प्योर वाइटल में होते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन CH3, ये क्या हो गया, ये तो ट्रांजिशन स्टेट, ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, तो ये क्या हो गया, काफी कम मतलब इन विद इन सेकेंड ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ये अपना चेंज हो जाएंगे, मतलब देखो क्या हो गया है, पहले क्या था, ये इन नीचे था ये तीनों ग्रुप, अब क्या हो गया, ऊपर हो गया, मतलब इन और आउट, पहले तो इन था, इन और आउट का कॉन्सेप्ट आ गया, ये पहले नाइट्रोजन का जो तीनों ग्रुप था वो इनसाइड में था, अब क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, और देख रहे हो किस कैसा शेप दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा है, ऐसा ही अम्ब्रेला होता है, जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट, दिख रहे हो इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए अम्ब्रेला इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देख रहे हो तीनों डिफरेंट ग्रुप होने से भी ये क्या हो गया, ऑप्टिकली, यानी चारों डिफरेंट होने से होने के कारण भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। ये होता है एमीन इन्वर्जन। अब एमीन इन्वर्जन कहाँ पे नहीं होता है, हाँ एमीन इन्वर्जन कहाँ पे नहीं होता है, जहां पे नो लोन पेयर और जहां पे रिंग स्ट्रेन आ जाए, कहीं भी रिंग स्ट्रेन आ जाए, रिंग स्ट्रेन, ये दो केस में क्या होता है, एमीन इन्वर्जन नहीं होता है, एमीन इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। ठीक है अब पढ़ते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल बस इतना ही था, दो टाइप का होता है, दोनों मैंने बता दिया क्या होता है, अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा इजी से। अब पढ़ते हैं कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर। देखिए कॉन्फिग्रेशनल में भी दो टाइप के होते हैं, सिस ट्रांस
देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ा प्रोजेक्शंस के बारे में बताती हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है। काफी इम्पोर्टेंट है और काफी अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसे, क्या होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है? ये चार टाइप के होते हैं, फ्लाइंग बेस, दूसरा होता है सॉर्स, तीसरा होता है न्यूमन और चौथा होता है फिशर। ठीक है, फ्लाइंग बैच क्या होता है? देखिए फ्लाइंग बैच इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि एक बैच पोजीशन पे होगा ग्रुप। ये होता है फ्रंट, ये होगा ए बी सी, देख रहा, ये हो गया फ्लाइंग बैच। ऐसे अगर रहेगा तो ये क्या हो गया, फ्लाइंग बैच। इसी को सॉर्स में कैसे लिखते हैं देखिए, जो एवव है देखिए, ये प्लेन क्या है, एवव द है। इसे आप इस आगे एक अर्थी है तो देख रहे हो, ये जो है आगे की ओर है ये, तो फ्रंट वाला ये हो गया, बैक साइड वाला ये हो गया। यहाँ पे देखिए बैक साइड का ये हो गया, फ्रंट साइड में कौन है, ये है, तो ये हो गया। और प्लेन में कौन सा है, सी है। ये हो गया सॉहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन क्या होता है देखिए, कुछ नहीं करना है, इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़िए आप, ये देखिए इसको मैंने मान लिया ये, तो ये क्या होता है, राइट साइड से ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे होगा ये। इसको क्या करते हैं, इस कार्बन को कहाँ रखा जाता है, फ्रंट साइड पे, यानी ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे प्लेन में कौन सा ग्रुप है, सी है। एवम में कौन है, राइट साइड लिखा था ए, इधर बी, बस इसको यहाँ पे लिख देना है। ये जो है ये बैक साइड में रहता है, बैक साइड में यानी प्लेन में, ये यहाँ पे क्या है, सी है, ये ए, यहाँ पे कौन सा, बी। ये हो गया न्यूमैन। फिशर्स में, इसको फिशर में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, इसको फ्रंट वाले को ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये नीचे रहता है, क्या हो गया प्लेन में सी, राइट साइड में कौन सा है, ए बी, लेफ्ट साइड में। फिर देखिए यहाँ पे सी ए बी, ये हो गया इसका, ये हो गया फ्लाइंग बेच, ये हो गया सॉहर्स, ये हो गया न्यूमैन, ये हो गया क्या, फिशर। कुछ नहीं था, कितना सिंपल था। देखो और एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं क्या होता है। हाँ, कन्वर्जन पूछ देगा ये तो था कि किसको बोलते हैं, पहचानते क्या, अगर ऐसे दे दिया तो कौन सा सोहर्स है, ये बस पहचानने का है। अब करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको दे देगा कि न्यूमैन दे देगा, न्यूमैन से बोल देगा कि आप फिशर बनाइए, सोहर्स दे देगा और बोलेगा कि आप फिशर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। पहला कन्वर्जन में पढ़ते हैं, कन्वर्जन पहले पढ़ते हैं क्या, हाँ सोहर से किस में कन्वर्ट करें, वेज डैश में, हाँ वेज डैश में करते हैं, वेज डैश देख रहे हो सोहर्स, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं क्लोरीन, ये ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, सॉर्स फॉर्म है। इसको वेज गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बोले थे, कुछ नहीं, इस पहले दो कार्बन को है, दो कार्बन का है, ये दोनों लिख लो पहले, ये हो गया। जो प्लेन में है उसको प्लेन में लिख, पहले कर दो, CH3 प्लेन में है, C2H5 प्लेन में है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को आप, अब आपको 3D मतलब देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसका 3D स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखो 3D देखोगे तो ये क्या है, फ्रंट साइड में दिख रहा है, मतलब आगे की ओर दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये एबव द प्लेन हो गया हाइड्रोजन। ये आपको क्या दिख रहा है, बैक साइड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन है ना। अब इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फ्रंट साइड पे, तो ये हो गया एबव द प्लेन, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, यही हो गया सोहर से न्यूमैन में। ठीक है, अब पूछ देगा इसी को, बोल देगा आप फिशर में कन्वर्ट करिए, फिशर में, तो कैसे होगा, सोहर्स टू फिशर।
कैसे करना है, फिशर में कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं, इसमें भी वही जो बताया था, इधर साइड का कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। इसके प्लेन में कौन सा है, CH3 है, राइट साइड पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोरीन है। इसमें भी C2H5 है, राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, बस यही हो गया इसका फिशर प्रोजेक्शन। एक और एग्जाम्पल देते हैं सोहर्स का, अगर ऐसे रहा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फीसर में, देखिए फीसर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को प्लेन में आना पड़ेगा, ये दोनों जो है इसको एक प्लेन में आपको लाना पड़ेगा, मतलब इसको ये यहाँ पे है, इस प्लेन में है, तो इसको भी इसी प्लेन में आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताती हूँ मैं कि आप कैसे निकाल सकते हो। आपको देखो, आप सिंपली रोटेट करके भी आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे ला दो, इसको यहाँ पे ला के ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। बस एक और, ये तो हो गया नॉर्मल मेथड जो आप मतलब बेसिक हो गया कि आप ये ऐसे करके इसको प्लेन में ला सकते हो, बट एक और मैं सिंपल बताती हूँ, वो काफी इजी है और हर जगह काम करेगा। देखिए क्या करो आप, ये जो है इस प्लेन में मॉलिक्यूल है, इसको जस्ट अपोजिट में इसको लिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से रोटेट करवाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, जस्ट अपोजिट में इसको प्लेन को ला दो। तो अब लिख दो कैसे लिखाएगा, ये ऐसे हो गया। अब कहाँ C2H5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, देखो इसका अपोजिट में है, यहाँ पे आ गया। Cl कहाँ आ गया, इधर आ गया, देख रहे हो कितना सिंपल है। ऐसे आप कभी गलती नहीं होगा यहाँ पे कन्वर्ट करने में CH3। अब तो कुछ कार्य थी बचा हुआ ही नहीं है, बस अब फीसर में कन्वर्ट कर दो, हो गया। इसको नीचे लिखना है CH3 फ्लोरिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरिन C2H5, हो गया ना, देखो कितना सिंपल है। यही होता है कन्वर्जन फ्लाइंग बेस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब आपको इसको न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो ये तो हो गया फीसर का बात, अब न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें भी देखते हैं। देखो इसको न्यूमेन में कैसे करेंगे, न्यूमेन कुछ नहीं, इस मॉलिक्यूल को आप पकड़ो, बस इसको राइट साइड ऐसे रोटेट करवाओ, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा फ्रंट साइड पे, जो राइट साइड है वो आ जाएगा फ्रंट साइड पे, ऐसे लिखाएगा। देखिए ये जो है ये बैक चला गया राइट साइड पे, ये है, इसके नीचे प्लेन पे कौन सा ग्रुप है, CH3 है, राइट साइड पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, इधर कौन सा है, क्लोरीन है। अब देखो अब कुछ नहीं, अब इसको लिख दो, इसको क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है ना, तो सेम प्लेन में आएंगे। इसके इसके साथ कौन सा प्लेन है, ये है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के साथ कौन सा है, हाइड्रोजन, देख रहे हो सिंपल, ये हो गया न्यूमेन। अब देखो ये बोल देगा, ये एग्जांपल है। अब बोलेगा इसको न्यूमेन में कन्वर्ट कर दिए, इसका भी देखिए, अब इसको रोटेट करवाइए आप, क्या दिखेगा आपको, ऐसे रोटेट करवाओगे तो पहले तो ये फ्रंट साइड पे आएगा, तो फ्रंट साइड वाले लिख लो आप, CH3 नीचे है, राइट साइड पे आ गया क्लोरीन, लेफ्ट साइड पे आ गया आपका हाइड्रोजन। अब बैक साइड वाला देखेंगे क्या है, C2H5 प्लेन में है, और वो कौन सा प्लेन, इसके जस्ट अपोजिट प्लेन पे है, तो इसके अपोजिट प्लेन पे कौन सा है, C2H5, देख रहे हो अपोजिट है ना। फिर देखो क्लोरीन किधर है, लेफ्ट साइड पे है, और वो किसके है, इसके इसके जस्ट थी पे है, क्लोरीन के जस्ट थी पे है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे राइट साइड पे क्लोरीन और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हो गया न्यूमेन प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल था ना। एक और एग्जांपल है, देखिए आपको न्यूमेन में दे देगा, न्यूमेन में दे देगा और बोलेगा कि आप उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि कौन सा न्यूमेन प्रोजेक्शन ज्यादा स्टेबल है। जैसे मेरा एग्जांपल सेट है मेरे पास,
देखो ये है एग्जांपल, इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएं एंगल से, देखो 60 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या होगा, पीछे देखो आगे वो तो सेम अथी में, इसको आप अथी रखो, इसको पकड़ो, इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाओ मॉलिक्यूल्स को, तो ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये मॉलिक्यूल, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो कैसे बनेगा देखो, ऐसे बनेगा, इसको तो आप ऐसे ही कर दो CH3, ये इसका ये कहाँ पे आ गया 60 डिग्री रोटेशन के बाद, CH3 यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये CH3 यहाँ आ गया। देखो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, सॉरी ये हाइड्रोजन होगा है ना, ये इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म, ये क्या है गॉच है। फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएं, 60 डिग्री फिर रोटेशन करा, अब क्या हो गया, अब ये CH3 अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के प्लेन में आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब कहाँ आ गया, हाइड्रोजन ये यहाँ पे आ गया और CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये कौन सा फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स है, ठीक है इक्लिप्स है, इक्लिप्स है, बट ये कौन सा इक्लिप्स है, पार्शियली है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन सी बल्कि दोनों बल्कि ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है, ये पार्शियली इक्लिप्स होगा, पार्शियली इक्लिप्स। हाँ फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाए, अब क्या होगा, क्या चेंज हो गया, 60 डिग्री रोटेशन करवाएंगे तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 इसको तो कॉन्स्टेंट के बाकी घुमाते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, अब क्या हो गया CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो था कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म बोलते हैं, देखिए CH3 दोनों अपोजिट साइड में है तो इसको बोलते हैं NT, इसको बोलते हैं NT। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ABC में, ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फॉर्म जो है ह्यूमन का वो ज्यादा स्टेबल है। देखो आप कुछ नहीं, अब CH3 मॉलिक्यूल को देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 है, इसी प्लेन में CH3 आ गया, क्या हो गया, रिपल्सन, काफी ज्यादा रिपल्सन होगा, CH3 बल्कि ग्रुप है, ABCH3 बल्कि ग्रुप है, तो रिपल्सन से, रिपल्सन होने के कारण ये क्या से क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सबसे ए फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब सबसे ए सबसे कम हो गया है ना। फिर गॉच, गॉच का देखिए CH3 यहाँ पे है, यहाँ CH3 है, इसमें देखिए इक्लिप्स्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये काफी हाइड्रोजन और इसमें इसमें काफी डिफरेंस दिख रहा है आपको, मतलब ये थोड़ा दूर है तो रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कम है सी होगा, सी के बाद कौन सा आ जाएगा, बी आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा NT, यहाँ पे कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं हो रहा है, देख रहे हो यहाँ NT CH3 यहाँ है, कोई यहाँ पे भी कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ